स्टूडेंट्स, आज मैं आपका कंप्यूटर में चैप्टर 3 मोर ऑन एमएस वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस वर्ड दोनों ही कहते हैं। इज अ फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये एक पूरे तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इट अलाउज यूज़र टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग मोस्टली टेक्स्ट एंड समथिंग्स ग्राफिक। समटाइम्स ग्राफिक्स क्या होता है, जो ये आपका एमएस वर्ड होता है, इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, आप या तो लिख सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते डॉक्यूमेंट्स को। रिटन फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके इसमें में आप बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं इसके अंदर या फिर ग्राफिक्स होते हैं। बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ एमएस वर्ड एवरी डे टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, मेमोज, रिपोर्ट्स, फैक्स, कवर शीट्स, मेलिंग टेबल्स एंड न्यूज़ लेटर्स। ज़्यादातर कैसे, मिलियंस ऑफ पीपल मतलब क्या है, ये एमएस वर्ड यूज़ करते हैं हर एक दिन। किस लिए? डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, जैसे लेटर लिखना है या कोई रिपोर्ट्स बनानी है, फैक्स करना है, कवर शीट बनानी है किसी चीज़ की, मेलिंग करना है किसी को या न्यूज़पेपर बनाना है, ये सब चीज़ों के लिए हम एमएस वर्ड यूज़ करते हैं। अ मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्ड सॉफ्टवेयर इज़ दैट यूज़र कैन ईजली चेंज वर्ड दे हैव रिटन। सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है एमएस वर्ड का, जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करने का, कि जो यूज़र है, जो हम जैसे कंप्यूटर यूज़ कर रहे तो हम यूज़र हुए ना, तो जैसे हम ये एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर यूज़ करें यानी कि हम यूज़र हैं, तो जो यूज़र होते हैं वो अपनी चीज़ें, लिखी हुई चीज़ को भी एडिट कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने कोई लेटर लिखा, उसने गलती से कुछ और लिख दिया, किसी और का नाम लिख दिया और भेजना मुझे किसी और का था, ठीक है, तो मैं वहाँ पर जाके अपना जो लेटर है उसको चेंज कर सकती हूँ। द वेरियस फीचर्स ऑफ वर्ड लाइक बॉर्डर, शेडिंग, टेबल्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स एंड वेब एड्रेस कैन बी इंक्लूड इन द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस, जो ये वर्ड वाला आपका सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि आप बॉर्डर बना सकते हो अपने लेटर्स या फिर किसी चीज़ में, या शेडिंग कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, ग्राफिक्स मतलब कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स होती हैं, वेब एड्रेस वगैरह लगा सकते हो, ये सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगा सकते हैं आप। यू कैन इंसर्ट वर्ड टू क्रिएट अ टेम्पलेट विच इज़ अ फॉर्म यू कैन यूज़ एंड कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। आप अपने अकॉर्डिंग टैम्पलेट्स बना सकते हैं, जैसी आपकी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा, ठीक है। क्या यू कैन ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट टू वेरियस ईमेल एड्रेस वैन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको ईमेल एड्रेस में अगर आपको किसी को सेंड करना, ईमेल करना, तो आप बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो। व्हाइल यू टाइप इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वर्ड्स कैन डिटेक्ट द सिंटेक्स एरर्स। अगर आप इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज में भी लिख रहे हो, अगर कोई वर्ड एरर हो गया, कोई गलती से आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया, तब भी आपका एरर पकड़ लेता है वर्ड में, ठीक है। वर्ड कैन ऑल्सो फॉर्मेट टेक्स्ट सच एज हेडिंग्स, लिस्ट, फ्रैक्शंस, बॉर्डर्स एंड वेब एड्रेस एज यू टाइप देम, ठीक है। वर्ड अपने आप से क्या करता है, हेडिंग लगा देगा अगर आप चाहेंगे तो, लिस्ट या फिर फ्रैक्शंस वगैरह सब लगा देगा अपने आप से, अगर आपने उसमें अगर चाहते हो तो, ठीक है, ऐड कर रखा होगा तो। सम फंक्शंस ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड्स के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि क्रिएटिंग, व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग द टेक्स्ट और नंबर्स, इंसर्टिंग ग्राफिक्स, इमेजेस एंड परफॉर्मिंग अदर टास्क यूजिंग एन इनपुट डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड और माउस। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप डालते हो डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे कि आप टेक्स्ट लिखते हो, कभी नंबर्स लिखते हो, कभी आप ग्राफिकल इमेजेस डालते हैं, और हम बहुत सारे काम भी करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस करते हैं टास्क, वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं ना, कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू हम चीज़ों को अंदर वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर हम लिखते हैं। एडिटिंग, आप एडिट भी कर सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट, ठीक है। एडिट कब करते हैं, जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी आपने लिख रखा है और उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करने हैं तब आप करते हैं। कॉमन एडिटिंग फीचर्स इंक्लूड्स इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग आइटम्स इनटू अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट के अंदर क्या एडिटिंग करते हो, ज़्यादातर या तो कोई लेटर या फिर कोई वर्ड इंसर्ट करते हो, या फिर कोई वर्ड डिलीट करते हो, या फिर कोई कट करके आप कहीं और अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हो, या फिर कॉपी करके किसी को सेंड करते हो, या फिर पेस्ट करते हो, ये सारे काम आप एडिटिंग में करते हैं। फॉर्मेटिंग, इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट है एकदम सिंपल सादा दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ लिखा 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 दिख रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग्स लगाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एमएस वर्ड में ही बना हुआ होता है, आपके जो नोटबुक्स वगैरह होती है।
ये देखो इसके अंदर क्या है, आपने ये देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से राइटिंग लिखी है, फिर इसमें फॉन्ट्स पूरा एकदम कैपिटल में है, कलर से कर रखा है, फिर देखिए अलग मतलब बहुत अच्छा लगने लग गया ऐसे। अगर मान लो सिर्फ पूरा ब्लैक 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 से लिखा होता तो कैसा लगता है, बहुत बोरिंग लगता। फिर फॉर्मेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ओवरऑल लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर आप फॉर्मेट कर दोगे डॉक्यूमेंट को तो क्या होगा, आपका जो ओवरऑल लुक है वो एकदम चेंज हो जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया, अब एक ड्राइंग है उसके अंदर सिर्फ आप पेंसिल ड्राइंग हो गई, उसमें सिर्फ आप पेंसिल से लिखे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ड्राइंग करे जा रहे हो, उसमें ना कोई कलर है ना कुछ है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप उसमें कलर डालेंगे, न्यू कलर्स डाल रहे हो या फिर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हो तो कितना अट्रैक्टिव लगेगा, है ना, पढ़ने भी मन करेगा, देखने भी मन करेगा। इसीलिए एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिंग टास्क आर चेंजिंग द फॉन्ट, फॉन्ट साइज और द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टास्क टेक्स्ट। ठीक है, जैसे फॉन्ट साइज चेंज करना, कैपिटल कर देना, ठीक है, या फिर उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देना या साइज चेंज कर देना, स्टाइल चेंज कर देना, किसी को कर्सिव लिखना, थोड़ा टेढ़ा लिखना, हॉरिजॉन्टल लिखना, ये सब चीज़ें आप फॉर्मेटिंग में करते हैं। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, वाइल यू आर क्रिएटिंग एडिटिंग और फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट इट इज़ हेल्ड टेम्पररली इन मेमोरी। जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, एडिट करते हो या फिर फॉर्मेट करते हो डॉक्यूमेंट को, आप जब डॉक्यूमेंट को कर रहे होते, एडिट कर लिया, क्रिएट कर लिया, फॉर्मेटिंग कर लिया, तो वो जो टेम्पररली वो कहाँ होता है सेफ, वो मेमोरी में होता है। वंस यू हैव कम्प्लीटेड दिस स्टेप्स यू मे वॉन्ट टू सेव योर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज़। अब आपने सारा काम कर लिया, डॉक्यूमेंट लिख लिया, क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है, और एडिट भी कर लिया अपने अकॉर्डिंग, तो अब आप चाहोगे वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाए ताकि कि फ्यूचर में आपको जरूरत कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख सको। तो सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम सच है CD और हार्ड डिस्क। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो टेम्पररली कहाँ पर सेव होता है, मेमोरी में, लेकिन आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप कॉपी करते हैं कहाँ पर, CD में या फिर हार्ड डिस्क जो होती है आपकी उसमें। यू ऑल्सो शुड हैव द सेव द डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली वाइल वर्किंग विद इट टू इंश्योर योर वर्क इज़ नॉट लॉस्ट। और कभी कभी क्या होता है, आप कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं और उसके बाद तुरंत आप सेव कर लेते, ताकि क्या हो, अगर मान लो पावर कट होगी, कंप्यूटर किसी वजह से ऑफ हो गया, तो आपने जो भी लिखा है वो सारा लॉस्ट ना हो, गुम ना हो, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो गुम ना हो, सेव हो पहले से ही, जब भी आप अगर ऑन करते हैं तो, ठीक है, इसीलिए आप पहले ही सेव कर लेते डॉक्यूमेंट को। नाउ लास्ट इज़ प्रिंटिंग। वंस यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट यू कैन प्रिंट इट मैनी टाइम्स विथ ईच कॉपी लुकिंग जस्ट लाइक द फर्स्ट। अब प्रिंटिंग में क्या करते हैं, अब कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको स्कूल में दिखाना है, ठीक है, सपोज़ बोला कि आपको लेटर लिख के लाना है MS वर्ड पे, तो आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर उठा के थोड़ा लेके जाएंगे, आप टीचर को दिखाने के लिए प्रिंट आउट निकालेंगे। जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो अब मैम बोले कि आपको 2-3 कॉपी लेके आनी है इसकी, तो आप क्या करेंगे, उसी के क्या करेंगे, 3-4 बार अगर उसके प्रिंटिंग का दे देंगे सेम वैसे ही निकलेगा पेज जैसा आपका पहला वाला पेज लिखा हुआ होगा। तो प्रिंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ फाइल टू अ प्रिंटर टू जनरेट आउटपुट ऑन अ मीडियम सच एज पेपर। प्रिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, फाइल को सेंड करते हो प्रिंटर पे, ताकि कि वो जनरेट करे आपके जो लिखा हुआ चीज़ है वो आउटपुट के तौर पे आपको मिल जाए। आउटपुट तौर पे मतलब आपको जैसे पेपर पे लिखी हुई चीज़ें मिल जाए, या हमारा क्या है आउटपुट है, आप जब ये बुक बनी होगी तो ये आपके MS वर्ड पे कंप्यूटर पे बनी होगी, जब प्रिंट हुई तभी तो आपको दिख रही है, ये पेपर के थ्रू में दिख रही है, तो ये क्या ऐसा दिख रही है आपको, आउटपुट में दिख रही है आपको पेपर पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सम फीचर्स ऑफ MS वर्ड। कल हम इसके फीचर्स ऑफ MS वर्ड पढ़ेंगे।